ओम शांति। भगवान उवाच, तुम बच्चे पवित्रता की राखी बांधो तो तुम्हें राजाई का तिलक मिले। कितनी बड़ी बात है, हमारी पवित्रता से सब धर्मों को बल मिलता है। हमारी पवित्रता धर्म स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बाबा धर्म की स्थापना करने भी आया है और राज की स्थापना भी करने आया है। जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता का बल बढ़ता जाएगा, इस धर्म स्थापना के कार्य को बल मिलता जाएगा, हमारा ये यज्ञ निर्विघ्न बनता जाएगा। हमें बाबा के संपूर्ण यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है और इसके लिए पवित्रता एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अपवित्रता के कारण ही यज्ञ में विघ्न पड़ रहे हैं। बाबा के जो बच्चे भी यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, वो भी अपवित्रता के कारण, अपने अहंकार के कारण विघ्न डाल रहे हैं। जिनके पास पवित्रता का बल बढ़ता जाता है, वो काम पर और क्रोध पर और अहंकार पर विजय पाते जाते हैं। पवित्रता के साथ क्रोध और अहंकार को जीतना भी परम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य तो धारण कर लिया हो, लेकिन उसके अंदर क्रोध का उद्वेग अभी भी ज्वाला रूप में हो, तो उसे पवित्रता का बल कभी प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य पालन करे, उसके चेहरे पर पवित्रता का तेज कदापि नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति ने क्रोध और अहंकार को जीत लिया हो, उसकी पवित्रता बहुत दिव्य बन जाएगी, उसके चेहरे पे दिव्यता आ जाएगी, उसका ललाट तेजस्वी हो जाएगा। तो हम बहुत ध्यान दें पवित्रता के साथ इन सब चीजों को भी अपनाने का। लेकिन साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आत्मा बहुत पवित्र बन जाती है वो सुखदाई हो जाती है। जो मनुष्य दूसरों को सुख दे रहे हैं, दूसरों का दुख हर रहे हैं, वही वास्तव में संपूर्ण पवित्र हैं। अगर कड़वे वचन से, अपने गलत व्यवहार से या दूसरों को तंग करने के संस्कार से हम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो बाबा के पास आगे बढ़ने आए हैं, हम उनका मार्ग रोक रहे हैं, तो हमारा मार्ग भी अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा, हम कदापि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें याद रखना है, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही डबल होकर हमारे पास आ जाता है। हम दूसरों को सुख देंगे तो सुख डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। हम दूसरों को खुशी बांटेंगे तो हम सदा बहुत बहुत खुश रहेंगे। हम पुण्य कर्म करेंगे, ये पुण्य कर्म डबल होकर हमारे पास शक्ति के रूप में जमा होते रहेंगे, तो हम पवित्र बने। अपने चित्त को निर्मल करें, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करें, विशेष रूप से दूसरों के दुख हरता बन जाएं। सुख देना एक बात और दूसरों के दुख हरना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुख संसार में सभी एक दूसरों को दे रहे हैं। हम अच्छे वचन बोलकर, दूसरों को हल्का करके, दूसरों की बात सुनकर, उन्हें समाधान देकर, उनके दुखों को थोड़ा हल्का करते चलें, ये भी संपूर्ण पवित्र आत्मा का ही एक उत्तम लक्षण होगा। लेकिन याद रखेंगे, यदि हम दूसरों के मार्ग में बाधाएं डालते रहेंगे, यदि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहेंगे, यदि हम दूसरों की ठीक से पालना ही नहीं करेंगे, यदि हम दूसरों का ध्यान ही नहीं रखेंगे, तो राजाई कुल 84 जन्मों में हमसे बहुत दूर रहेगा। तो आइए हम सब संपूर्ण पवित्र आत्मा बनकर इस संसार में चमकें और बाबा को चमकाएं। आज सारा दिन बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे, बाबा की पवित्र किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं हूँ परम पवित्र आत्मा, मैं हूँ पवित्रता की देवी, पवित्रता का देवता, और निरंतर
पवित्र किरणें बाबा से मुझ में समा रही हैं, जैसे ये फाउंटेन निरंतर मुझ पर उतर रहा है। और अभ्यास करेंगे, मैंने तो इस धरा पर अवतार लिया है, इस संसार में शांति की स्थापना करने के लिए, सभी को दुखों से मुक्त करने के लिए, सभी को सुख और चैन देने के लिए। तो लक्ष्य रखेंगे सारा दिन ऐसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते रहें कि सबको सुख मिलता रहे। ओम शांति।